इंडिया जो है वो इज नॉट नो मोर रीजनल पावर इट इज ए वर्ल्ड पावर ये जो है ना ये सिर्फ जो है वो मोदी लीडरशिप की वजह से पॉसिबल हुआ है के जब मैं ये बोलती हूँ कि जालिम मोदी आ रहा है तो उसकी वजह ये है कि ऐसा बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि जो नरेंद्र मोदी साहब है वो वापस अपने उसमें आ रहे हैं और उसकी वजह जो है उसको आपने बड़े अच्छे से लेबोरेट किया कि इंडिया ने हमेशा के लिए जो अमन का जो मैसेज है वो भिजवाया है

जो डायनामिक्स uh, है उसकी वजह से होता है कि जो वहां पे एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है उस uh, उसको सस्टेन करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो है वो एक एकव्ड uh, जो आपका एनिमी है जो कि इंडिया है आप उसके अगेंस्ट जो है वो लड़े और गजो हिंद और वो सारी चीजें फिर उसमें आ जाती है तो uh, पहली बात तो यह है कि इसको क्लियर होना चाहिए कि मतलब कौन जो है वो एग्रेसर है और कौन एग्रेसर नहीं है इंडिया जो है वो पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया एक नॉन अलाइन मूवमेंट जो है उसका लीडर रह चुका है अभी भी नॉन अलाइंस है अभी भी उसके जो है वो इंटरेस्ट सारे के सारे इकोनॉमिक होते हैं और उसमें कुछ भी नहीं होता है तो हर एक को पता है कि इंडियन कि, कि जो पॉलिटिक्स है इंडियन जो आइडियोलॉजी है वो उनको पता है उनको पाकिस्तान का भी पता है दूसरी जो उसमें बात है ये बात जो है वो ये है कि दोनों के साइज को जरा देखें दोनों के इकोनॉमिक साइज को जरा देखें कि पाकिस्तान जो है वो एक एक बिलियन के लिए लोगों से आ, मतलब खैरात मांगते हैं और इंडिया जो है उन्होंने अभी उसकी सिर्फ एयरलाइन ने अः सौ जहाजों का ऑर्डर जो है वो दे चुके हैं ठीक है ना तो मतलब दोनों के दोनों को जरा कंपेयर कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया को एक्चुअली आनेस्टली स्पीकिंग उनको जरूरत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक अच्छे रखें या ना रखें इसको इंडियन इकानमी पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ऑनेस्टली स्पीकिंग क्योंकि इंडिया के इतने इकोनॉमिक टाइज हैं ठीक है चाइना के साथ और यूएस के साथ और जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ ठीक है ना कि उनको पाकिस्तानी जो है ना वो ट्रेड से आई डोंट थिंक डों कोई साइजेबल फर्क जो है वो उनको पड़ेगा पिछले पचहत्तर साल से कोई ट्रेड नहीं हुई है आइंदा पचहत्तर साल से को मतलब पचहत्तर साल भी नहीं होगी तो इससे इंडिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा सही है ना तो इसी वजह से उनको जो है ना इंडियन लीडरशिप को यह अंदाजा हो चुका है स्पेशली आफ्टर द इलेक्शन ऑफ नरेंद्र मोदी उनको ये अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान को इग्नोर करना जो है वो सब उन, उनके इंटरेस्ट में है उनके नेशनल इंटरेस्ट में है और यही मोदी ने किया है कि उसने इंडिया को इन, पाकिस्तान को कंप्लीटली जो है वो इग्नोर किया है हिस्टोरिकली uh, स्पीकिंग उसके शरीफ जो फैमिली है उसके साथ अच्छे तलुक रहे हैं और अभी भी मेरे ख्याल में वो इसको एक एज अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो शहबाज शरीफ अभी गवर्नमेंट में है अगर चीज जाहिर है उनके पास कोई पावर है नहीं शहबाज शरीफ के पास सारा पावर जो है वो ऑलरेडी कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर वो जी एच की ओ हो चुका है तो उसको ये भी अच्छी तरह से पता है और इसी वजह से वो मतलब ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि सारे का सारा जो पावर है वो कहीं और पर है शहबाज शरीफ के पास कोई पावर सिरे से है ही नहीं तो इसी वजह से मतलब को देख लें इसली uh, स्पीकिंग में uh, जो वर्ल्ड uh, लीडर्स हैं उनसे मैं कभी ज्यादा इम्प्रेस uh, नहीं हुआ हूँ uh, मोदी वाहिद लीडर हैं जिसने मुझे हाईली इम्प्रेस किया है ठीक है ना आप उसके उसके जो गवर्नेंस स्टाइल है उसको जरा देख लें उसकी अपनी पर्सनल लाइफ को जरा देख लें और अभी ये जो आप जिक्र कर रहे हैं है, न्यूज वीक के आर्टिकल का उसको मैं पढ़ रहा था तो उससे मुझे जो नई बात जो मुझे मैंने सीख ली वो ये है कि इवन चीफ मिनिस्टर बनने से पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले उसने उनतीस यूएस स्टेट्स जो है उनका विजिट किया है एंड देट वॉज समथिंग टोटली न्यू फॉर मी और यहाँ पे वो डायस्पोरा के साथ जो है वो कनेक्टेड रहा है इंडियन डायस्पोरा के साथ तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लीडर जो है ना अब आप जरा कंपेयर कर ले इमरान खान के साथ इमरान खान का जो वाहिद कनेक्शन है अमरीका के साथ वो उसकी बेटी है जो कि उसने डिसोन की हुई है तो यही जो है दोनों में फर्क है कि आप जरा देख लें कि जब मूड यहाँ पे आता है तो इसी वजह से उसका जो इस तरह से वालेहाना इस्तेबाल यहाँ पर यूएस में किया जाता है उसके पीछे ये कहानी है जो कि जिसका मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि वो कितना कनेक्टेड है अमेरिकन जो, जो वो, वो पावर में आए हैं आप जरा उसको देख लें आप जरा वुमेन एम्पावरमेंट को जरा देख ठीक है आप जरा आईटी को देख लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जरा देख लें कि वो किस तरह से लीड कर रहे हैं अभी मैंने एक, आपको एक एग्जाम्पल एक एक दे दूं कि अभी मैंने एक छोटी सी कंपनी खोली है और मैं उसकी वेरिफिकेशन जो है वो करा रहा था बिजनेस वेरिफिकेशन गूगल के लिए तो मैंने गूगल को कांटेक्ट किया तो वहां से जो है जो रिप्रेजेंटेटिव थी उसका नाम एच ई एम ए था थामा तो मुझे उसके नाम से कुछ पता नहीं हो रहा था कि ये कहाँ की रहने वाली है एक्चुअली जब मैंने उससे बात की तो वो उसका एक्सेंट जो था वो इंडियन एक्सेंट था उसने जो है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जो है वो हैंडल किया उसको और विद इन टू मिनट्स जो है वो वेरिफिकेशन हो गई तो आप जो है ना वो जरा मतलब इसको जरा देख लें कि कितना कितना जो है वो असर रसूख है इस वक्त इंडियन कम्युनिटी का इंडियन डायस्पोरा का आप जरा यहाँ पे आ, उसमें चले जाए कैलिफोर्निया के जो जो जो, जो आईटी वैली है आप उसमें जरा चले जाए सिलेकन वैली जो है, जो है जिसको कहते हैं आप उसमें चले जाए आप जरा सीईओ को देख लें ठीक है ना सारे के सारे इंडियन सी हैं तो उससे तो आपको अंदाजा हो, हो, मतलब क्लियरली हर एक को अंदाजा हो जाता है कि इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो दुनिया में कितना ज्यादा है ठीक है ना तो अब अब जरा देखें कि वो किस तरह से चाइना को हैंडल कर रहे हैं इट इज अमेजिंग एक्चुअली कि किस तरह से वो चाइना को हैंडल कर रहे हैं जो टेरिटोरियल ट्रेडिटोरियल डिस्प्यूट उन, उनको जो है उन्होंने बैक बर्नर पर रखा हुआ है और वो एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे ट्रेड जो रिलेशन रे, है वो, वो जितने भी वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं वो कह कह रहे हैं कि जी बस आहिस्ता आहिस्ता ये भी खत्म हो जाएंगे ये जो टेरिटोरियल इश्यूज हैं इंडियन और चाइनीज जो इश्यूज हैं जो बॉर्डर इश्यूज हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि मुल्कों के दरमियान इश्यूज जो है वो एक या दो दिन में खत्म नहीं होते वो सालों में भी खत्म नहीं होते इसके डेकट्स चाहिए बेसिकली लेकिन अगेन एक एक विल होनी चाहिए कि लीडरशिप जो है वो उनकी एक विल है वो चाहते हैं कि ये मसले हल हो जाए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये ये इस तरह का सिस्टम है ही नहीं कि उसमें जो है एक तो ये है कि लीडरशिप की कोई तसलसल है नहीं इस तरह से इंडियन में एक कंप्लीट तसलसल आ रही है वो पाकिस्तान में है नहीं ठीक है ना तो यहाँ पे जाहिर है मतलब लीडरशिप जो है वो कम्पलीटली डिस्कनेक्टेड होती है आप जरा मोदी को देखें कोई भी उसको जो है वो कॉल कर सकता है वो कह रहे हैं कि मुझे हजारों लेटर्स आते हैं और वो खुद उसको पढ़ते हैं तो उसको, है, उस, उसको इसको है जो है उसको उसको कहते हैं जो है ना उसने नंबर्स पे अपना हाथ रखा हुआ है ठीक है इंडियन कम्युनिटी के जो उसका पब्लिक है 1.4 बिलियन लोग जो है ना उसके नबस पे उसका हाथ है और इसी वजह से ना कोई अपोजिशन है इंडिया में सिर्फ एक ही पार्टी है और वो है बीजेपी ठीक है ना कांग्रेस का कोई पता भी नहीं चलता है कि वो मतलब कभी पार्टी हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी अभी फिर से इलेक्शन आ रहे हैं और वो जो है उसको क्लीन स्वीप करेंगे मैं आपको बता दूं कि उसको क्लीन स्वीप करेंगे कोई भी अपोजिशन जो है वो नहीं है तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा फिर आप जरा देखें कि वो को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं अब अगर मुसलमान जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली इतनी बड़ी माइनॉरिटी है माइनॉरिटी तो है नहीं एक्चुअली मेजॉरिटी है लेकिन अगर वो जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो इसमें मोदी का कोई कसूर नहीं है ठीक है ना तो मतलब ये जो है ना वो जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको खुद ही रियलाइज करना चाहते हैं कि देखें वो उसी जो कल्चर है उसी का हिस्सा है ठीक है वो सदियों से वहां पे रह रहे हैं ठीक है उनका रिलीजन डिफरेंट है लेकिन वहां पे और भी डिफरेंट रिलीजन है जैन जैन जो है वो बहुत सारे वहां पर ठीक है जो कि कंप्लीटली डिफरेंट रिलीजन है तो आ, मतलब रिलीजन के बेसिस पर जो है वो इंडिया काम नहीं करता है एक सेकुलर स्टेट है और बहुत हद तक उन्होंने उस सेकुलर जो जो स्टेट है उसको जो उनका सेकुलर फेस है उसको उन्होंने पोट्रे किया हुआ है और इस वक्त जो मेरे ख्याल में जिस तरह से उन्होंने पावर्टी से निकाला है इंडिया को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में किसी ने नहीं किया होगा और आ, मतलब अभी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तीसरे नंबर के लिए और शायद जो है वो दूसरे नंबर पे भी आ जाए पूरी दुनिया में इन द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स तो अगेन मतलब हम जो है जब पाकिस्तान आ,

लेकिन इसके बाद अगर आप इंडिया के बारे में पूछे तो वो आपको जो है ना वो पूरा वो आपको बता देंगे कि इंडिया जो है वो किस तरह से हैंडल कर रहा है और किस तरह से वो वर्ल्ड पावर बना हुआ है इंडिया जो है वो नॉट नो मोर रीजनल पावर इट इज ए वर्ल्ड पावर ठीक है ना एंड इट इज प्लेंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द वर्ल्ड स्टेज तो ये ये जो है ना ये सिर्फ जो है वो मोडी लीडरशिप की वजह से पॉसिबल हुआ है और उसने जिस तरह से इसको हैंडल किया है इन चीजों को Uh, मतलब इट्स द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड अभी मेरे ख्याल में कोई एक बिलियन लोग वो वोट देंगे इस डेमोक्रेसी में इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि कितना 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 मतलब इट्स इज जस्ट अमेजिंग कि एक बिलियन लोग जो है वो वोट देंगे के जब मैं ये बोलती हूँ मोदी आ रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने देशवासियों से किया अपना हर वादा पूरा किया है इस देश की जनता के लिए ये नई बात थी क्योंकि उन्हें पिछली सरकारों से ऐसा होने की आदत ही नहीं थी अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने यह बात कही पीएम नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के बाद न्यूज वीक के कवर पर आने वाले पहले भारतीय पीएम हैं। मोदी ने कहा लोगों को यह भरोसा है कि अगर योजनाओं का लाभ किसी और को मिला है तो उन तक भी पहुंचेगा। लोगों ने देखा है कि भारत 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है अब देश की आकांक्षाएं हैं कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने पीएम मोदी ने कहा दूसरे कार्यकाल के अंत तक सबसे लोकप्रिय सरकारें भी अपना समर्थन खोने लगती हैं। विश्व में पिछले कुछ वर्षों में सरकारों के प्रति असंतोष भी बढ़ा है भारत अपवाद के रूप में खड़ा है यहाँ हमारी सरकार के लिए जन समर्थन और भी ज्यादा बढ़ गया है चीन के साथ सीमा विवाद के सवाल पर भी नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर व शांतिपूर्ण संबंध पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है पत्रिका को दिए गए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हम आशा करते हैं कि राजनीति और सैन्य स्तरों पर सकारात्मक व रक्षात्मक द्विपक्षीय बातचीत से भारत व चीन सीमाओं पर शांति और स्थिरता बहाल करने और इसे बनाए रखने में सक्षम होंगे प्रधानमंत्री ने कहा भारत के लिए चीन के साथ रिश्ते अहम और महत्वपूर्ण हैं जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने पर मोदी ने कहा आप मेरी बातों में न जाएं, खुद वहां जाकर देखें। आपको साफ पता चलेगा कि इस कदम के बाद वहाँ क्या क्या बदलाव हुए हैं वहाँ जमीनी स्तर पर व्यापक सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं वहाँ के लोगों के जीवन में नई उम्मीद जगी है